का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया है? तो अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश की सरकार आज यानी 4 अप्रैल 2022 को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए स्कूल चलो अभियान इसको लॉन्च करेगी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की, गुजरात। देखो गुजरात के अंदर है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको अभी रिसेंटली रामसर स्टेटस दिया गया है। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया है। और हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू है यहाँ पर पहली बार मोंक फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई है, जिसके बीज चाइना से लाए गए हैं। बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो इसका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अगस्त 2021 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 दिवस का विशेष अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना को स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया। हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में किया गया। नवंबर 2021 में झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की। सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक काम करते हैं, उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में मनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। और मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की प्रक्रिया में है। अब लोकेशन देखें आप उत्तर प्रदेश की, ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। नेपाल के साथ इसकी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। और किन किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है? उत्तराखंड, दिल्ली यूटी है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नौ। तो टोटल मिलाकर 9 के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। लखनऊ इसकी कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है। इलाहाबाद को अब प्रयागराज नाम से भी जाना जाता है। जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये तो थी उत्तर प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस? तो ये हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसकी अगर हम थीम की बात करें 2022 की, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स और सेफ होम। इसको ना फर्स्ट टाइम 4 अप्रैल 2006 में ये मनाया गया था। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं कि इसे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो इसे फर्स्ट टाइम 2006 में मनाया गया था। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है। और 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन 4 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में शहरी कचरे के उपचार के लिए 433.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। डी ऑप्शन महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, देखो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना को स्टार्ट किया। गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। बात महाराष्ट्र की हुई है तो ये रही लोकेशन महाराष्ट्र की। उससे पहले करंट अफेयर कवर कर लीजिए महाराष्ट्र का। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की।
बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल शुरू किया। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा। वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना है। लोकेशन देखिए महाराष्ट्र की, ये है लोकेशन महाराष्ट्र की। आसपास के राज्यों की बात करें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, छह राज्यों के साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। लेक की बात करें लोनार लेक, वीना लेक, दोनों लेक महाराष्ट्र में है। कोयना डैम, ये कोयना रिवर के ऊपर है जिसे लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम, भीमा डैम भी कहा जाता है क्योंकि भीमा रिवर के ऊपर है। जयकवाड़ी डैम। तो ये तो थी महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बैंगलोर में। कर्नाटक की जो कैपिटल है बैंगलोर, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और याद रखेगा ये 2021 में होना था लेकिन अब ये 2022 में होगा, तो ये इसका कौन सा एडिशन है, ये इसका सेकंड एडिशन है। और ये कहाँ पर होगा, बैंगलोर में। पूछा जाए इसका फर्स्ट एडिशन कहाँ पर हुआ था, तो ये होता भुवनेश्वर में, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, तो ये आप याद रखेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन स्टार्ट किया। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात कर्नाटका की हुई है तो ये रही लोकेशन कर्नाटका की। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको खुद ही कवर करनी है। कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर कौन है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है और मध्य प्रदेश ये तीसरे नंबर पे है। तो सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसी डिस्कशन की फर्स्ट क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश की मैप, उत्तर प्रदेश की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है डिटेल के साथ हमने कवर कर ली है। फार्मा इसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसको, आमिर खान को, यानी सिक्स्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन आमिर खान सही आंसर है। किसको, भारतीय भुगतान परिषद यानी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विश्वास पटेल को, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जसपाल सिंह इनको गोवा का नया DGP बनाया गया। मनु कुमार श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया। नीरज ठाकुर इनको अंडमान एंड निकोबार का नया DGP बनाया गया। तो सी ऑप्शन विश्वास पटेल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पीटर नेविल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। एट्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्रिकेट सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, थोकचोम सत्यव्रत को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। नाइन्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन मणिपुर सही आंसर है। हाल ही में गुड़ी पड़वा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया महाराष्ट्र में। टेंथ क्वेश्चन का डी ऑप्शन महाराष्ट्र सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 31 मार्च 2022 को COVID-19 मुक्त हो गया है? अंडमान एंड निकोबार सही आंसर है। सतीश महाना को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विनय समरस्य योजना शुरू करने की घोषणा की? कर्नाटक सही आंसर है। हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश सही आंसर है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हो गया? सिक्किम सही आंसर है। किसको वन अनुसंधान संस्थान FRI के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर रेणु ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखो इन छह क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।